यस, इन्हें बहुत शौक है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग करती है ये बेटी, मेरी प्यारी बेटी रीमा। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। ओके बैठा बेट। वो सीख रही है। यस वेरी गुड रोज देना। यस यू आर राइट रोज देना। छोटी सी बच्ची है, हमारी सबसे छोटी बच्ची कितनी सुंदर स्मार्ट है। देखो कितना सुंदर बाल बनाती है। ये बाल किसने बनाया रीमा? मम्मी ने? किसने? पिसी ने? मम्मी ने? Rima, are you happy? Come on, Rosie, dance. Come on. बहुत ही खूबसूरत हुआ ये। दिखाइए दिखाइए। वेट 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 वेट, मेरे दोस्तों को दिखाने दो। दोस्तों आप देख सकते हो मेरी प्यारी बेटी इशिका ने बहुत ही खूबसूरत बनाया है, बहुत ही खूबसूरत हुआ है। ओ बहुत खूबसूरत। झूठ बोलती है पगली। आपको डांस आता है? आता है ना? यस नो? आता है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम डांस क्लास होगा और मेरी डांसर आएंगी रीमा, सबको हरा देंगे। खतरनाक डांस करती है रीमा। ये गाना चेंज करो। जंगल बाग चला है दीपन। कोई आया है क्या? Johnny wants to play in rain, go away. Wow, beautiful Rima, आपने बहुत खूबसूरत बनाया। Thank you so much, Rima.
मैं गॉड ब्लेस यू, और आप हमेशा इसी तरह और आगे बढ़ते रहो, हमेशा अच्छा करो लाइफ में, कुछ नया सीखो। वाओ दैट्स गुड, यानी कि ये देश की सेवा करना चाहती है आईएएस ऑफिसर बनकर। जरा शमीम बता दीजिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएएस? आईएएस यस। आई फॉर व्हाट? इंडियन। ओके, ए फॉर? नो माय डियर, इट्स नॉट आर्मी। तो आपको मैं आपको आता है, आपको आता है जाहिद आईएएस का फुल फॉर्म? आईएएस का फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ओके यस यस। तो मेरी प्यारी छोटी सी बेटी बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है, यानी कि ये देश की सेवा करना चाहती है, और ये इनके बड़े भैया, ओ माय गॉड, बीटीएस आर्मी। ये कौन सा आर्मी है? पहली बार सुना मैंने बीटीएस आर्मी। बीटीएस तो कभी भी सुनेंगे। बताइए जरा बीटीएस आर्मी के बारे में बताइए कुछ। ज्यादा बहुत नहीं पता। तो क्या पता है, कहाँ से सुना आपने? तो देखिए इन्हें इंडियन आर्मी में नहीं जाना है, बीटीएस आर्मी में। तो बच्चों पे एक बहुत ही खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है बीटीएस का, जिसमें कोई भविष्य नहीं है इनका बीटीएस में, लेकिन ये बीटीएस में डूब रहे हैं। इंडियन आर्मी सोच ही नहीं रहे अपने देश के बारे में, तो हम क्या बताए। सही कहा, इसको अपने देश से कोई लेना देना नहीं है, इसको क्या कहा आपने? कुछ नहीं। बताइए बताइए जरा आपने अभी क्या कहा? उसको बुरा लगा है। कौन सा बुरा? कोई देश बुरा या अच्छा नहीं होता, हर देश अच्छा है, तो किसी देश को बुरा कहना नहीं चाहिए हमें। मैंने मोबाइल पर देखा था YouTube। नहीं, वो तो वहाँ के लोग बुरे हैं, एक दो लोग बुरे हैं जिस वजह से पूरा देश बदनाम हो चुका है। तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पाकिस्तान बुरा है या अफगानिस्तान बुरा है या भारत बुरा है, कोई देश बुरा नहीं होता। कुछ गिने चुने लोगों ने उस देश को बदनाम कर दिया है, हर देश बहुत ही अच्छा होता है, हमें इज्जत करना चाहिए हर देश का। तो आप निकल जाइए, आप इस दुनिया से दूसरे दुनिया में चले जाइए, आप दूसरे प्लानेट में चले जाइए, आप मार्स में चले जाइए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप टुडे इज नॉट काउज डे, टुडे इज काउज डे। नो माय डियर, आप थकती नहीं हो पेंटिंग करके रीमा? मजा आता है, देखिए कितना एंजॉय करती है। इसमें तो कलर मिक्स कर दे भाई। आपको मजा आता है? हाँ रीमा, जरा देखिए कैमरे में देखिए, आपको लोग देखना चाहते हैं, आपकी आंखों को देखना चाहते हैं। देखिए मेरी प्यारी बेटी, इस बहुत प्यारी है। माय गॉड, नहीं नहीं मेरी बेटी रीमा ऐसे बात नहीं करती है, सिर्फ मुझसे बात करती है रीमा। सॉरी, मैं आपको सुन नहीं सकती। शायद पापा देर से आएंगे, इसलिए ये कुछ नहीं है। पापा कब आएंगे? पता नहीं, कोई बात नहीं, जल्द आ जाएंगे पापा, चिंता मत कीजिए। तो रीमा के पापा, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मेरी प्यारी बेटी के लिए आप जल्द से जल्द दौड़ दौड़ के आइए, मेरी बेटी आपका इंतजार कर रही है। नहीं, गाड़ी से आइए। नहीं, एरोप्लेन से आइए। गाड़ी से तो लेट होगा, एरोप्लेन से आइए रीमा के लिए। मतलब एक छोटी सी बच्ची हो गई, यहाँ पर आपको एक बड़ी बच्ची भी नज़र आ रही है, जिनको मतलब दिन भर आप बिठा दो रंगों के बीच या कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करने के लिए, तो ये दिन भर बैठ के यहाँ पे बस वही आर्ट एंड क्राफ्ट में लगे रहेंगे। इनको ना भूख लगेगा ना प्यास लगेगा, इतने देर से हम इतने गर्मी में बैठ रहे हैं, इनको प्यास लग रही होगी, लेकिन ये भूल गए कि इनको प्यास भी लग रहा है। तो उनको कुछ करने को मिल जाए तो ये भूल जाती है। ये बड़ी बेटी है, ये बड़ी बच्ची है। ये क्रेयॉन्स किसके पास है? मेरे पास है। मैं ले रहा। और इनको भी बस कलर्स मिल जाते तो ये भूल जाती है सबको। ओह माय गॉड, इन्हें रंगों के बीच में पूरे दिन रख दीजिए तो बैठ के खेलती रहेंगे, कुछ कुछ पेंट करते रहेंगे। इन्हें देखकर मुझे तारे जमीन पर का वो छोटा सा बच्चा याद आता है, जो जिससे लोग बातें करना पसंद नहीं करते, लोग उसे दूर रखते हैं, लेकिन वो अपने आप में खोया रहता है, रंगों के बीच खोया रहता है,
अक्षरों के बीच खोया रहता है, तो ये भी उसी तरह की एक प्यारी सी बच्ची है। सब एक बच्चे, उनके अंदर बचपना है। बैठ बैठ दोस्तों, आप बस मेरी आवाज़ को सुन रहे थे बहुत देर से, तो मैं जुड़ चुका हूँ इनके साथ। इनके साथ तो मैं शुरू से जुड़ चुका था, बस मेरा चेहरा नहीं जुड़ा था, तो मैंने चेहरा भी जोड़ दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी प्यारी बेटी जिनका नाम है रीमा। ओह माय गॉड, रीमा बोलती भी है। तो बच्चे काफी बिजी है, तो मैं भी थोड़ा बिजी हो जाता हूँ बच्चों के लिए गाना चुनने के लिए। तो बच्चों के लिए कौन सा गाना चूज करूँ? तारे जमीन पर का मुन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ये बेटी तो कुछ बोलती नहीं, जब से आई तब से चुपचाप बैठी हुई है। ठनी नहीं, मैं बात करती हूँ स्कूल में जाकर, बहुत हल्ला करती हूँ, परेशान करती हूँ। देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रही हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ओह माय गॉड, इनको देखे। चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पर मर मर के, पहले ना लूंगा कभी दम, मन ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। भाई ताने भाई ताने भाई थम। कही हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। दिखाओ रिमा जरा अपना पेंटिंग, शो मी। वाओ ब्यूटीफुल, मुझे दीजिए, गिव इट टू मी। दोस्तों आप देख सकते हो इतना खूबसूरत पेंटिंग बनाया है मेरी प्यारी सी बेटी रीमा ने, जिसमें इन्होंने अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया है, स्पेशली ग्रीन। इनको ग्रीन बहुत पसंद है शायद से, तो पेंसिल पील का भी इस्तेमाल किया है, ब्लैक, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ये पेंटिंग तो मैं रखूँगा। थैंक यू सो मच रीमा। रही हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद। गाओ ना बेटा, गाने से शर्माना नहीं है। जय हिंद। नेक्स्ट टाइम इनका क्लास लेंगे हमारी प्यारी बेटी रोज ना बोलना सिखाएंगे, ओके? हाँ, नेक्स्ट टाइम आपको हम स्पीच क्लास, थोड़ा सा स्पीकिंग क्लास देंगे, और रोज दिन आपको सिखाएगी आप तीनों को, ठीक है? इशिका स्वानी, ओह माय गॉड, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर। देखिए कितना सुंदर बनाया है इन्होंने, आप देख सकते हो गाइस। गाइस देखिए कितना सुंदर बनाया है इन्होंने, हम आपको दिखा देते हैं, आप देख सकते हो। ओह माय गॉड, ये कोई पेंटिंग नहीं किया इन्होंने, पेंटिंग ये पेंसिल का फील है, तो उनको आटे की तरह घूम दिया, आप देख सकते हो। यहाँ पर इनका हाथ देखिए जरा, देखिए इनका हाथ, तो ये बन के आया हमारे सामने और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप ही बनाइए और बाकी बच्चों को भी सिखाइए। बच्चों ने भी आज कुछ तो कुछ सिखा होगा, और मेरे प्यारा बेटा शमी कुछ बना रहा है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा पहले। ये आप देख लीजिएगा अच्छे से, और ये बनाने वाली हस्ती वहाँ पे बैठी हुई है, बच्चों के बीच में बैठी हुई है।
कदम भाई दाइने भाई थम। शमीम यहाँ पे आपको एक कैमरा वाला ये सिंबल दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इसको क्लिक करना जरा बेटा। ओके थैंक यू सो मच। तो मैडम परवीन को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना प्यारा सा पेंटिंग हमारे लिए किया है, जिसको हम इस क्लासरूम में बच्चों के लिए सजाएंगे। नाम क्या है?